नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 8 जनवरी 2020, और यहां पर हम लोग फार्मा स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस। देखिए, सबसे पहले अजंता फार्मा का स्टॉक है। मैंने कहा भी है और कल भी थ्री स्टार सेक्शन में मैंने दिया था कि 1010 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा लेवल आपको दिखाएगा। देखिए, 1010 के ऊपर जैसे निकला, 1027 का लगभग लगभग इसने हाई लगा दिया। कल भी एक पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों अजंता फार्मा में। अगर आप इसकी बात करें तो अजंता फार्मा में कल भी आपको एक पोटेंशियल कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है कि कल अगर ये ऊपर की साइड में 130 को अगर ब्रेक कर दे तो एक अच्छा लेवल आपको अपर साइड के मिल सकते हैं। 1030 के अगर लेवल ब्रेक कर दे तो 1040 का लेवल और 45 का लेवल मिल सकता है। और वो फार्मा जब तक स्टेनलाइन के ऊपर क्लोज ना कर दे वापस से, यानी कि 465 के ऊपर जब तक ना निकल जाए, कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा और वो फार्मा में। और नीचे के लेवल अगर ये 440 ब्रेक करता है, थोड़ा वीक हो जाए, फिर 430 के लेवल के लिए पोजीशन बनाया जा सकता है। बायोकॉन इस रेंज में ऊपर 300, नीचे 280, ये दो लेवल हैं इसके। जब तक 280 को नीचे ब्रेक नहीं करे, शॉर्ट का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 280 के नीचे निकलता है तो 270 का टारगेट। ऊपर की साइड में 300 को जब तक ब्रेक ना करे, लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। 300 के ऊपर निकलेगा, 310 और 20 का टारगेट आपको बायोकॉन में मिल सकता है। दोस्तों, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें, उसके बाद अपना ट्रेडिंग डिसीजन स्वयं लें। कैडला हेल्थ केयर वापस उसी रेंज में आ गया है। कैडला हेल्थ केयर इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो हमें यहां से एक बाउंस मिलने की संभावना है कि अपर साइड में ये 265 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। अगर ये 265 के ऊपर क्लोज करता है तो एक अच्छा टारगेट आपको 275 तक को देखने को मिल सकता है कैडला हेल्थ केयर में आने वाले समय में। अगर ये नीचे ब्रेक करता है 250, तो फिर ये 240 का रेंज दिखा सकता है। सिप्ला देखिए, एक फ्लैग पैटर्न को डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, या प्राइस चैनल भी बोल सकते हैं। जब तक अब इस प्राइस चैनल का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाए, कोई ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे सिप्ला में। सिप्ला पे बस नजर बना के आप रखिए, अगर इस प्राइस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक ट्रेडिंग बनेगा। अपर रेंज में इसको ब्रेक करने दीजिए 470, तो फिर हमारे पास 480 से 90 का टारगेट आएगा। नीचे 460 ब्रेक करेगा तो नीचे 440 का लेवल दिखा सकता है सिप्ला। ये बार बार इस तरह के राउंडिंग बॉटम, इस बार कप विथ हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है सिप्ला ने। डॉक्टर रेड्डी ट्रेन लाइन ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है, कल एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है डॉक्टर रेड्डी में। अगर कल 2900 को अपर साइड में अगर ये ब्रेक कर दे तो फिर एक अच्छा लेवल आपको दिखाएगा अपर साइड में। हाँ, 2910 को भी अगर ये ब्रेक करता है, 2910 ज्यादा बेस्ट है, फिर 2930 का लेवल दिखा सकता है डॉक्टर रेड्डी। ग्लेनमार्क फार्मा नो ट्रेडिंग जोन में, अभी फिलहाल ग्लेनमार्क फार्मा से दूर रहेंगे। हमें ब्रेकआउट चाहिए कम से कम 370 रुपए का, फिर हमें 375 से 380 का लेवल मिलेगा। लुपिन नो ट्रेडिंग जोन में है, लुपिन से दूर रहना है। लुपिन डाउन साइड का ही है, इसका ट्रेंड निगेटिव है। नीचे 740 का टारगेट अभी भी लुपिन में ओपन है। PEL देखिए, यहां से मैंने एरो लगाया हुआ, इसका मतलब यहां से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी है। लक्षण भी वैसा ही दिख रहा है कि बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी मिल रही है यहाँ पर। और ये चीजें अगर अपर अपने हायर हाई को अगर ये ब्रेक करता जाता है, अगर ये एक बार 1500 के ऊपर भी क्लोज कर दे ना, तो एक अच्छा फिर सिग्नल बन जाएगा कि हाँ, ये इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है जो 1600 का टारगेट दे सकता है। लेकिन उसके पहले इसको 1500 के ऊपर क्लोज करना होगा, फिर 1550 का एक टारगेट दूसरा 1600 को मिल सकता है। सन फार्मा नो ट्रेडिंग जोन में दूर है। सन फार्मा में 450 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं कर दे, क्लोज 450 है ना, 450 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए सन फार्मा में। अगर 450 के ऊपर ये क्लोज करता है तो फिर हमारा टारगेट जो निकल जाएगा 460 से लेकर 70 तक का। स्ट्राइस फार्मा अपर रेंज यानी कि 400 का टारगेट ओपन है। इस तरह अगर हायर रहा है, यानी कल अगर ये अपर साइड में ब्रेक कर दे 385 को, तो 390 और 95 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। डिवीज लैब अभी जब तक स्टैंड लाइन के नीचे है, हमें कोई पोजीशन नहीं बनाना। ट्रेन लाइन को ऊपर करेगा, 1870 को ब्रेक करेगा तो लगभग लगभग 1900 और 1920 का टारगेट दे सकता है डिवीज लैब। तो दोस्तों, ये था फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।